नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सचिन पायलट आज टोंक के दौरे पर रहे, तो वहीं सचिन पायलट ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि दोनों ही जगह सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने सीएम भजन लाल शर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दो जगह पावर सेंटर बन गए हैं, राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी के 30 साल के सफर पर सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक की कुर्सी पर बैठे 30 साल हो गए हैं, लेकिन जनता के लिए क्या किया ये तो जनता को बता दो। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट पिछले सप्ताह काफी चर्चाओं में रहा, तो वहीं आज जयपुर आने के बाद श्रीनेत ने बीजेपी को ही जमकर आड़े हाथों लिया। श्रीनेत ने कहा दिया कि उड़ता हुआ तीर भाजपा को लेने की आदत पड़ चुकी है, जबकि मेरा ट्वीट किसी और संदर्भ में था, वो राजस्थान के किसी भाजपा नेता को लेकर दिया गया कोई बयान नहीं था। आपको बता दें कि श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। एसआई भर्ती 2021 की समीक्षा के लिए 6 सदस्य समिति की पहली बैठक सोमवार 7 अक्टूबर को हुई। बैठक के बाद कमेटी के संयोजक जोगाराम पटेल ने कहा कि आज पहली बैठक हुई थी और बहुत से तथ्यों पर जानकारी ली गई है, हालांकि अभी कुछ और बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अब अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी, लेकिन इसके साथ ही जोगाराम पटेल ने यहां तक कह डाला कि इसी सप्ताह कोई अच्छी खबर मिलेगी, जिसके बाद एसआई पेपर को रद्द होने की चर्चाएं जोरों पर है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 5 अक्टूबर से राजस्थान के जोधपुर में हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सर्किट हाउस में बैठक ली। उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बयानों से उनकी हताशा झलकती है। राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले सभी को अपने अंदर झांकना चाहिए, उनके 5 साल के कार्यकाल में किस तरह के हालात थे या उस पर राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए थे। उदयपुर के गोगुंदा में लेपर्ड का आतंक अभी भी जारी है। जिले भर में पैंथर ने अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। गोगुंदा में 7 और झाड़ोल में 1 की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके कई बार पैंथर की आहट होने के चलते ग्रामीण दहशत में हैं। बीती रात लेपर्ड का मूवमेंट गरबा पंडाल से ही कुछ दूरी पर दिखा। नवरात्रि की रौनक में इस खबर के बाद खौफ का माहौल हो गया, जिसके बाद ग्रामीण वन विभाग और प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, वहीं युवाओं ने भी अपने आंदोलन तेज कर दिए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सोमवार 7 अक्टूबर को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हुए। उन्होंने भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। युवाओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक को लेकर आए दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, परतें खुल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया जा रहा है। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हनुमानगढ़ में एमएसपी पर फसल खरीद की मांग को लेकर करीब 20 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने आज धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जिला कलेक्ट्रेट में घुसा दी और कलेक्ट्रेट पर गेट पर धरने पर धान की फसल काटने की चेतावनी दी। इस दौरान जंक्शन पुलिस ने किसानों को समझाइश की, मगर किसानों का कहना है कि एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं हो रही, जिस कारण किसानों को कम दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है और आज धान मंडी में धान रखने की जगह भी नहीं मिली। ऐसे में मजबूरन किसान को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला कलेक्ट्रेट आना पड़ा। अब अन्य किसान भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला कलेक्ट्रेट आएंगे और अपनी फसल को कलेक्ट्रेट में पटक कर जाएंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि वे कल हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर चक्का जाम करेंगे, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। पीसीसी में आयोजित बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि कौन मंत्री है कौन नहीं, इस्तीफा हवा में तैर रहा है, मंत्रियों की दुर्गति हो रही है, ऐसे में राजस्थान सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं द्वारा अशोक गहलोत के बयान पर हो रहे पलटवारों का भी जवाब दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल
भी यही बात साबित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता है। जनता को अब सच्चाई समझ में आने लगी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की विदाई तय हो चुकी है, जिस पर कल परिणाम आने के बाद मोहर लग जाएगी। अच्छे मानसून के बाद अब अस्पतालों में डेंगू के साथ ही मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। राजस्थान के हर हिस्से में डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। इसके साथ ही अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों की संख्या में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डेंगू के चलते एक डॉक्टर और एक आरएएस अधिकारी की मौत के बाद अब चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू के साथ ही मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।